लिए एक आजादी का मामला है। अभी हम लोग हिंदू धर्म की गुलामी में जी रहे हैं। सबको मालूम है कि 15 अगस्त को राजे रजवाड़े लोग आजाद हो गए थे और 26 जनवरी 1950 को आम आवाम आजाद हो गया था, लेकिन बहुत समाज अभी भी गुलामी की जिंदगी जी रहा है। आर्टिकल 25(2)(2) में और बहुत सारी जो स्थितियां हैं उसमें आप पढ़ के देखेंगे कि बुद्ध धर्म अभी भी हिंदू धर्म का भाग है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी शर्मिंदा वाली बात है। इसको आजाद कराना है और गणतांत्रिक प्रणाली में सभी लोगों को आजादी का हक है, लेकिन बौद्धों को अभी हक नहीं मिला है। इस आजादी के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग बहुत सारे प्रयास किए हैं। हमारे उत्तर प्रदेश की ओर से धर्म प्रकाश भारती जी और रामचंद्र गौतम जी बौद्ध जी के माध्यम से बहुत सारी आयाम हम लोगों ने तय किए हैं। इधर चंद्रबोधि पाटिल साहब अपनी ओर से एक नया हमको दिशा निर्देश दे रहे हैं और समता सैनिक दल के जो हमारे अध्यक्ष जी हैं गौतम साहब वो हमको सानिध्य दे रहे हैं। मैं चाहूंगा कि ये स्थिति ऐसे ही आगे बढ़ेगी। साथ साथ नॉर्थ ईस्ट की ओर से हमारे गौतम बरुआ साहब और विजय बोधी जी जो भंते जी हैं उन्होंने जिम्मेदारी ली है कि नॉर्थ ईस्ट और कोलकाता की जिम्मेदारी हमारी है और हम सबको इसमें जोड़ के रहेंगे। इसी प्रकार से शिमला और आपका जो धर्मशाला और आपका तवांग इस एरिया को टच करना है। इसके लिए हम लोगों का अप्रैल मई में कार्यक्रम लगेगा। मैं चाहूंगा ये बौद्ध भारतीय बौद्ध जो भी हैं वो सबको अपने कानून की आवश्यकता है। बिना कानून के आप अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, आपका घर परिवार नहीं चल सकता। कानून से आपका मकान भी आपका नहीं है, बिना कानून के आपका खेत भी नहीं है। इसलिए कानून बौद्धों का न होने से हमारी ये दुर्दशा है और हजारों सालों हजारों भागों में फट करके हम लोग लड़ाई अलग अलग ढंग से लड़ रहे हैं। इसलिए इस लड़ाई को हमें एक सूत्र में बांधना है, जैसा कि बुद्ध का धम्म है कि मैत्री, मैत्री के धम्म में हम सब लोगों को बंधना है। मैत्री नहीं है तो बुद्ध धम्म नहीं है। मैत्री ही बुद्ध धम्म का जन आधार है। इसके आयाम पे हम लोग बढ़ रहे हैं। सरकार से हम लोग मिले और वो हम लोगों को इधर उधर की बातें पढ़ा रहे हैं। अब हमारे पास एक ही उपाय है कि हम लोग सारे बौद्ध लोग मिलकर के इस लड़ाई को लड़ें और लड़ करके इस आयाम पे पहुंचावें, अंतिम दिशा में पहुंचावें कि बौद्धों का कानून सेपरेट होना चाहिए। बिना सेपरेट कानून के हम लोग आजाद नहीं हो सकते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं चाहूंगा ये लड़ाई हमारी अकेली नहीं है, ये लड़ाई खैरे साहब की अकेली नहीं है, ये हमारे उमेश सिंह गौतम जी की लड़ाई नहीं है, ये हमारे चंद्रबोधि पाटिल साहब की या भीमराव अम्बेडकर साहब की लड़ाई नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है। सबको मिलकर लड़ाई लड़ना है और इस लड़ाई में जब तक हमारा कानून नहीं बनता है इस आंदोलन को बरकरार रखना है और जो हमारी बात को नहीं मानेगा उसको सत्ता से बाहर करना है। इसके लिए भी तैयार रहना चाहिए। ये सरकार 2 साल से दबाए हुए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के 2 साल से दबाए हुए है, कुछ नहीं कर रही है। अभी तक लॉ कमीशन गठित नहीं किया है। हम लोग दबाव डाल रहे, लिख पढ़ रहे हैं, ये कोई जवाब नहीं दे रही है। अब हमारे पास एक ही उपाय है, इनको सत्ता से बाहर करो और अपना बौद्ध कानून पास कराओ और उसके साथ हम लोग आगे लड़ाई को लड़ते रहेंगे।